कहीं शिवगढ़ राज्य पर एक महान सम्राट का शासन था, लेकिन इस राज्य पर कुछ सालों से प्रकृति की आपातकालीन समस्या बनी हुई थी। तब भी वह राज्य का सम्राट अपनी प्रजा के लिए जितना हो सके सब कुछ करता। ऐसा सम्राट उदार होने के साथ साथ पराक्रमी और बुद्धिमान भी था। उस महान सम्राट का नाम था सम्राट कुंभा। महामंत्री जी, इस साल भी हमेशा की तरह बारिश नहीं हुई, इसलिए इस साल भी हम प्रजा से कम लगान वसूल करेंगे। जी महाराज। सम्राट की जय हो, क्या खबर लेकर आए हो? सम्राट, बिच्छू राजा के यहाँ से कोई दूत आया है। बिच्छू राजा के यहाँ से दूत आया है? सत्कार के साथ बुलाओ उसे। महामंत्री, इनका संदेशा पढ़ो। युद्ध केवल रक्त मांगता है, हम आपके सामने संधि का प्रस्ताव रखते हैं। महाराज, बिच्छू राजा एक क्रूर राजा है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। महाराज, उस पर विश्वास करना आगे के साथ खेलना जैसा होगा। महामंत्री जी, आपका कहना सही है, लेकिन युद्ध से केवल हानि ही होती है, इसलिए हमें इस संधि का प्रस्ताव मंजूर है। जी महाराज, मैं अभी इस संधि का जवाब भिजवा देता हूँ। सम्राट, आपने पुजारी जी को बुलाया था, वे आ गए हैं, उन्हें बुलाओ। पुजारी जी को हमारा प्रणाम। पुजारी जी, आप तो सब जानते हैं, हमने आपको किस लिए बुलाया है? महाराज, आपके पुत्र की लाइलाज बीमारी और इस राज्य पर छाए हुए सूखे की समस्या से मैं भलीभांति परिचित हूँ। तो पुजारी जी, इसका उपाय बताएं। इस समस्या का उपाय केवल एक स्वामी जी ही बता सकते हैं। वे पश्चिम दिशा की ओर पहाड़ी के उस पार घने जंगलों के बीच तपस्या कर रहे हैं। इस समस्या का उपाय केवल उन्हीं के पास है, तो फिर मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। उस तपस्वी की तलाश में जब सम्राट स्वयं जाने का फैसला लेते हैं, तब सम्राट का सेना नायक आता है और कहता है, सम्राट, अरे चक्रपाणि, क्या हुआ? सम्राट, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमसे कोई गलती हो सकती है भला? तो सम्राट, आपके सेवक के होते हुए आप कहाँ जा रहे हैं? चक्रपाणि, ये मेरी प्रजा का सवाल है, इसलिए मैं स्वयं जा रहा हूँ, और जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है सम्राट, आपकी जैसी आज्ञा। सम्राट, आप निश्चिंत होकर जाएं, जब तक मैं हूँ इस राज्य पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सम्राट के भाले से बिच्छू राजा के सैनिक को मार कर विराज अपने मालिक को सूचित करने के लिए उनके महल पहुँच जाता है। आ गए विराज, मैं जानता था कि यह काम तुम बखूबी कर सकते हो। लाओ विराज, सम्राट का शाही फरमान तो पढ़ लें जरा। शाही फरमान, संधि का प्रस्ताव स्वीकार है? हा 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 हा, विराज, हमने ये आग में शाही फरमान ही नहीं डाला, हमने आग में घी डाल दिया है। अब देखते हैं सम्राट कुंभक कैसे बचता है बिच्छू राजा से। हा हा हा। सम्राट, ये कैसा लिबास धारण किए हैं आप? चक्रपाणि, ताकि मुझे इस लंबे सफर में कोई पहचान ना सके। सम्राट, हमने आपकी सुरक्षा के लिए सेना की एक टुकड़ी तैयार कर दी है। नहीं चक्रपाणि, ऐसे में हमें कोई ना तो कोई पहचान ही लेगा कि हम कौन हैं। सम्राट, अगर ऐसा है तो मैं आपको अकेले ऐसे नहीं जाने दे सकता, इससे अच्छा है कि मैं चला जाऊं। बहस मत करो चक्रपाणि, तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। क्षमा करें सम्राट, मैं अकेले आधी रात को सादे लिबास में इसलिए जा रहा हूँ चक्रपाणि, ताकि मेरे शत्रुओं को मेरी खबर न लग सके। सम्राट, आप सुरक्षित रहें, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, और जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक इस राज्य का ध्वज ऐसे ही लहराता रहे। चिंता न करें सम्राट, इस राज्य का ध्वज ऐसे ही लहराता रहेगा, और अगर इस राज्य पर कोई और ध्वज लहराया तो समझ लेना सम्राट कि आपका ये सेवक जीवित नहीं है। चक्रपाणि, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है,
इस राज्य की सुरक्षा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, अब मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर सम्राट सादे लिबास में आधी रात को उस तपस्वी की तलाश में निकल पड़ते हैं।